देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले में युवाओं में अवैध हथियारों को हाथों में हथियार लहराते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो डालने का क्रेज लगातार बना हुआ है। हालांकि ऐसे क्रेज की कई बार ऐसे लोगों की कीमत भी चुकानी पड़ी है। रीवा जिले में भी कई युवाओं को अवैध हथियार लेकर वीडियो व तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस जेल भेज चुकी है, लेकिन सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अवैध हथियार के साथ युवा सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का पुलिस प्रशासन से कोई भय नहीं लग रहा है। मामला डभौरा थाना अंतर्गत कुलदीप कोरी पिता राम सुंदर कोरी निवासी डभौरा सिंह पैलेस के पास का है। यह युवक बताया जा रहा है जो अवैध कट्टे के साथ सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड किया, जो जमकर अब वायरल हो रहा है। इसी तरह के युवा बड़ी घटनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं। थाना क्षेत्र में शांति के वातावरण को भंग कर अशांति फैला सकते हैं। ऐसे युवकों पर प्रशासन का कोई डर भय भी नहीं नजर आ रहा है। इस तरह के कृत्य करने पर FIR भी हो सकती है और ऐसे युवा जो पुलिस के लिए चुनौती भी बन सकते हैं। अब देखा यह है कि पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, जो डभौरा बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो सोशल मीडिया पे कट्टा लहराते हुए वीडियो वायरल किया गया, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। कट्टा वगैरह बरामद।